अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के मौके पे आप लोग की जायज दुआएं जायज हाजत पूरी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता, बस पराठे डन हैं। आज जो है थोड़ी आँच जो चूल्हा है हमारा वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए देखें थोड़ा सा जल गया पराठा मेरा। खैर, इसके बाद अभी अंडर फ्राई करना है मुझे। आज हम लोग लेट नाश्ता कर रहे हैं, सुबह भी मैंने किया था जब मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए गई थी स्कूल, और अब तकरीबन ये 11:30-12 बजे का टाइम है, तो इन्होंने बोला बस पराठे बना दो। अभी आए थे तो सुबह हल्का सा नाश्ता करके गए थे, पापी छापे खा के गए थे, इन्होंने बोला पराठे बना दो, तो अंडा पराठा मैं बना रही हूँ। और बस अभी बेटे को स्कूल लेकर स्कूल से लेकर आएंगे अभी ये। और आज मैं अपनी अम्मी के घर भी जा रही हूँ एक दो दिन रुकने के लिए, क्योंकि बेटे की स्कूल की छुट्टी है, तो बड़े दिनों से बोल रहे थे नानी अम्मी के चलो। यहाँ पे बस अंडा फ्राई कर रही हूँ मैं, अभी ये लेने के लिए गए। मैंने बोला चलो मैं इसमें अपना ये नाश्ते का पूरा कर देती हूँ, वरना तो फिर जब तक आएंगे बस रेडी हो जाएगा, फिर मसाला बैठ के खाएंगे। उसके बाद मुझे अपने कपड़े वगैरह भी रखने हैं, अपने तो खैर काम बच्चों के ज़्यादा होती है, टेंशन दवा वगैरह जो मेन मेन दवा है वो जैसे पैनाडोल हो गई खांसी की दवा, तो ये रखने हैं मुझे एक दो दवाएँ। और ये अंडा निकाल दिया, बस यहाँ पे चाय भी तकरीबन रेडी है, दूध डालना है और निकालूंगी बस मैं। कल मैं यहाँ लेकर आई थी आलू बुखारे की चटनी, जो कि मैं ट्राई करूँगी, पता नहीं कैसी होगी, थोड़ी सी ही लाई थी टेस्ट के लिए। बस ये अंडा भी रेडी हो चुका है और बाकी भी हो गए हैं, बस नमक मिर्चें डालूँगी, काली मिर्चें। और यहाँ पे बस मैं खाना कैबिनेट है जो मेरे एक बॉक्स वो साफ़ कर रही थी मैं, तो ये साफ़ हो चुका है। नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए हैं और बस ये मैं बैटरी का निकाल देती हूँ पंखा, और बस यहाँ पे पीते हैं पानी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बस प्यास प्यास ज़्यादा लग रही है। और ये देखें मेरे रूम की हालत, ही मैंने सब बैग वगैरह निकाले हैं अभी कपड़े से, नज़र इसका अलमारी में से मैंने सब कपड़े निकाल दिए इसके ना बेटे के अपने, यहाँ से सब निकाल के मैंने यहाँ डाल दिए, क्योंकि अभी सही से इसको सेट करके रख दूँगी मैं, अजीब ही मैस कुछ हुआ हुआ था, तो इसलिए मैं बस जो लेके जाने वाले कपड़े वो इसमें रखूँगी, ज़्यादा तो लेके जाने नहीं हैं। और बस मैं अभी इसको भी समेटती हूँ। और यहाँ बस जनाब ये कुछ चेरी लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा इसको भी मैं धो धुला के रख दूँ, और बस इसको धो के बच्चों को दे के, और उसके बाद जो है ना लंच का टाइम हो जाएगा हमारा, बस नमाज पढ़ के आने वाले हैं हस्बैंड, तो बस हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद निकलूँगी मैं अम्मी की तरफ इंशाल्लाह। शाम में निकलूँगी, गर्मी बहुत है तो वैसे तो चलो कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों के साथ निकलना ना बड़ा मसला हो जाता है, उन्हें गर्मी लग रही होती है। बस मैं किचन थोड़ा सा मेटूँगी जी। तो यहाँ पर मैंने बनाया था रात में कौरमा, चिकन कौरमा, तो रात में ज़्यादा खाने में आया नहीं था, एक दो जगह मैंने भेज भी दिया था, और ये थोड़ा बचा अभी थोड़ा ठंडा है, इसको गरम करेंगे। उसके बाद रोटी तो मैंने डाल ली, बस इसको गरम करके और लोग खाते हैं बस। और जो बाकी अंडे हैं ये भी मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। क्या अच्छा भी आ रहे हैं यहाँ पे, माए बेटे साहब रो रहे हैं, उनके अब्बा छोड़ के चले गए उनको बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो इसलिए लेके नहीं गए इसको, तो अभी रो ही जा रहा है कि मुझे नहीं लेके गए। अच्छा ना आ रहे हैं बेटे, गुस्सा देखे आजकल बच्चों को। और यहाँ तो हमारे खरगोश मेल फीमेल भी छुपे हुए हैं, क्योंकि गर्मी है तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चे तो सेल हो चुके हैं, अब बस इनको भी सोचा है कि दे देंगे मियाँ, ये गंदगी बहुत हो जाती है इससे ना। तो बस इसके साथ साथ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।